वेलकम बैक टू ब्योरा विथ रोहित। सो आज का अपना जो ब्लॉग होगा ना, वो होगा रायपुर में गरबा कहाँ कहाँ हो रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। कितनी जगह गरबा होने वाला है, क्या डेट को होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी और क्या फीस रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रायपुर में गरबा कहाँ और कैसा हो रहा है, क्या सिस्टम रहेगा उसका, जाने का आने का टाइमिंग सारी डिटेल बताऊँगा। और सॉरी यार, बहुत लेट मैं ये ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली कुछ कामों में फंस गया था तो ब्लॉग बना नहीं पाया, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ गरबा हो रहा है। तो अपनी पहली लोकेशन है राम मंगलम भवन, इसकी लोकेशन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये है कलर्स मॉल के ठीक सामने, यहाँ पे आज से स्टार्ट हो रहा है 12, 13, 14, 3 दिन चलने वाला है। इसकी पासेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ग्रुप पास चाहिए तो ग्रुप पास आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें 8 मेंबर जा सकते हैं। और अगर आपको फैमिली पास चाहिए तो फैमिली पास की प्राइस है 500 रुपये, जिसमें 700 रुपये, जिसमें 4 मेंबर जा सकते हैं। और कपल एंट्री है 500 रुपये, स्टैग एंट्री है 300 रुपये, गर्ल्स की एंट्री है 200 रुपये। आई होप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसका टाइमिंग 7:30 PM ऑनवर्ड्स है, तो आप जाएं एंजॉय कर सकते हैं। और सेकंड लोकेशन पे अपन चलते हैं, मैं आपको यहाँ का पोस्टर दिखाता हूँ। तो सेकंड लोकेशन अपनी होटल ग्रैंड इंपीरियल, जो कि है VIP रोड में, और यहाँ पे होने वाला है 13-14 अक्टूबर को शाम के 6 बजे से 10 बजे तक होने वाला है यहाँ पे। यहाँ भी पासेस सिस्टम है, यहाँ पास की कीमत है 1000 रुपीज़ फॉर कपल, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है यहाँ की। बाकी आप गिवन नंबर, जो ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे 9907179696, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो। तो अपनी थर्ड लोकेशन है, वो भी VIP रोड पे है, ये है द इंडियन वॉक रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी अंदर है। इकोहलिक जो 3 किंग्स रेस्टोरेंट है उसके आगे अंदर में जाएंगे तो आपको द इंडियन वॉक मिल जाएगा। यहाँ के अभी पास सिस्टम है, गर्ल्स की फ्री एंट्री है, शाम को 7:30 बजे के बाद चालू होता है यहाँ पे, और बॉयज़ के लिए 500 रुपये का पासिस है, तो आप जाके यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। पोस्टर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इस पर भी गिवन नंबर दिया हुआ है, तो आप इन्फॉर्मेशन लेके पासिस के बारे में पता कर सकते हैं। तो अपनी फोर्थ लोकेशन है अंबुजा मॉल, अंबुजा मॉल के अंदर भी भाई गरबा हो रहा है इस बार, जो कि नव भारत करा रही है, काफ़ी अच्छा गरबा होने वाला है। 12, 13, 14 3 दिन होने वाला है, और इसकी टाइमिंग रहेगी 6 बजे से 10 बजे तक। सारी कंडीशन अप्लाई होंगी, ड्रेस कोड रहेगा, और दोनों डोज लगे होनी चाहिए वैक्सीन की, और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ एंट्री है। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए सारे नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आप लोग यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी मस्त गरबा होने वाला है। आप देख सकते हो कितने सारे ब्रांड पार्टनर हैं यहाँ पे, और काफ़ी प्यारा गरबा होने वाला है। फ्री ऑफ एंट्री है सबसे बड़ी बात, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ का, सो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट 5th लोकेशन पर। तो अपनी नेक्स्ट लोकेशन है होटल VW कैनियन, जी हाँ, इस बार यहाँ भी गरबा हो रहा है, होटल के अंदर हो रहा है, जिसकी एंट्री फीस है 1000 रुपीज़ सिंगल एंट्री एक पर्सन के लिए, जो कि डिनर के साथ है। आप यहाँ पे डिनर भी कर सकते हैं गरबा के बाद, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ 14 अक्टूबर 9 मई के लिए। VW कैनन का अगर पासेस आपको चाहिए तो ये मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो मेन मेन जगह, जितनी भी जगह गरबा हो रहा है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक जगह बच गई है BTI ग्राउंड, उसका कोई पोस्टर नहीं आया है। BTI ग्राउंड में भी गरबा हो रहा है, शाम के 7 बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे तक चलता है, तो आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ का कोई चार्जेस नहीं है, एंट्री फ्री है, बट मैं बता दूँ क्राउड बहुत ज़्यादा है, कोरोना के नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड है वहाँ पर। तो आप अपनी रिस्क पर जाएँ और देख कर जाएँ, सिक्योर सेफ्टी बरतें, मास्क पहने, सब कुछ करें। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी रायपुर में कहाँ कहाँ मेन जगह गरबा हो रहा है। बाकी कई छोटी जगहों में गरबा हो रहा है, कोई जिम्स में हो रहा है, कई मंदिरों में हो रहा है, और जहाँ माता बैठी हैं उनके सामने भी लोग करा रहे हैं छोटी छोटी बस्तियों में। तो काफ़ी मैंने सारी मेन जगह कवर कर ली हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें, और बताएं वीडियो कैसी लगे, कमेंट जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।